हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आज हम बात करेंगे आरओएचएस के बारे में। आपने अगर एक्सपोर्ट करते होगे तो देखा होगा, कभी कभी जो आपका बायर होता है वो इसकी डिमांड करता है कि मेरे को आरओएचएस चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोकल सेल करते हो उसमें भी आपकी जरूरत पड़ती है। तो क्या है आरओएचएस के बारे में डिटेल समझेंगे, किस तरीके से इसका सर्टिफिकेशन है, क्या इंडिया में भी इसकी एप्लीकेबल होता है या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्री में, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा तो आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सकोगे। उसके अलावा आप लोग जिस तरीके से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टेलीग्राम चैनल आप बना लो, तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके मेरे से जुड़ सकते हो। उस पर मैं टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन वगैरह डालता रहूंगा और अपडेट भी डाल लूंगा जो हो सकेगा मेरे से, तो आप वहां से भी मेरे से कनेक्ट रह सकते हो। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम आरओएचएस की हिस्ट्री समझेंगे, ये आया कहां से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग पे चलेंगे। अब आप समझिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, अर्ली 90s की बात यहां पर ज्यादा करेंगे क्योंकि 90s में के लास्ट 90s में और काफी ज्यादा या 20 में भी काफी ज्यादा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज्यादा डिस्कवर हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो तरह तरह के प्रोडक्ट डिस्कवर हुए, पहले से भी थे। और इसमें जो जनरली आप देखोगे होम अप्लायंस गुड जैसे प्रेस है, वाइट गुड्स में वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे आइटम है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ी आजकल रिसेंटली देखा जाए तो मोबाइल फोन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल फोन के साथ है कि आदमी खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, फेंक देता है फिर नया खरीदता है, हर साल इसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से टीवी वगैरह भी आप देख रहे हो, खैर ये थोड़ा 4-5 साल 7 साल भी चल जाता है, और आप सोलर पैनल, तो ये सारा चीज आप देख रहे हो 90 से ही डिस्कवर हो गई है, लोग इसका यूज करने लगे। अब यहां पर आप देख सकते हो धीरे धीरे इसका यूज पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, आप पूरे दुनिया के कोने कोने में जितने भी यूजर हैं, आप यहां पे मैंने लिया एग्जांपल के तौर पे, सभी इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां से आई सोचिए, इतना बड़ा वर्ल्ड है तो हमारे पास क्या है, हर चीज के एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब जैसे कि मैंने मोबाइल फोन किया कहा आपको, तो ये क्या होता है, आदमी हर साल चेंज कर रहा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, तो इसके बाद क्या हो गया, अब आप क्या करोगे, अगर आप नया खरीदोगे तो पुराना कहाँ फेंकोगे, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ, पूरे दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है और इसको सही से डंप करने का नहीं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे डंप होता है और किस तरह क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कचरा इकट्ठा हो रहा है, एक तरीके से आप समझो ये एक तरह का कचरा है जिसको हम पूरी तरीके से डंप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब कचरा आ गया यहां तक, अभी आरओएचएस नहीं आया, अभी मैं कचरे तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो ट्रैश है वो इकट्ठा हो गया, इसको एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसको WEEE भी कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट में WEEE आप अक्सर सुनोगे, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मतलब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये एक समझ लो आप एक तरीके का कॉम्प्लायंस है, ये अलग वर्क करता है, उसका काम अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर शॉर्टकट में अगर आप WEEE समझो तो समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों में। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसको डंप करने की, ऑब्वियस सी बात है कचरा पूरे दुनिया से इकट्ठा हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाता है। तो जब हमने इसको जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह प्रोडक्ट है इसको सबसे पहले क्या किया, सपोज करिए पानी में बहा दिया, यानी क्या कर दिया, जब पानी में बहा दे तो इसके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो पानी को पूरी तरीके से इम्प्योर कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम हो रही है इसमें रहने वाले जानवरों को, प्रॉब्लम हो रही है उस जानवर को खाने वाले इंसान को, प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे आप भी देख रहे होगे जो सी है बहुत ज्यादा जहरीला होता जा रहा है वेस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट को डंप कर रहे हैं उस पर, ऑब्वियस सी बात है डंप हो ही रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप इस तरीके से इसको डंप कर दो, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मोबाइल फोन मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारी सर्किट होती है, बहुत से ऐसे मटेरियल यूज होते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है और उसे डंप नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है, आप सोचो उसको मैं जला दूं, तो जलाओगे तो आप पोल्यूशन होगा, इसका अलग ही लेवल पे पोल्यूशन होगा, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। नतीजा आता है आप गाड़ दोगे, गाड़ देते तो अर्थ में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है, उसके वजह से तरह तरह के प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है उसके अंदर ऐसे कुछ मटेरियल है जिसको डंप करना आसान नहीं है
और उसके क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, हर तरह से रिलेटेड उससे प्रॉब्लम हो रही है। इस पे क्या हो गया, लोगों को नए नए तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही है, नई नई परेशानियां हो रही है। तो उस पे आप देखोगे, यहां पर मैंने एग्जाम लिया हुआ है यूरोपियन यूनियन इन 2003 की बात है, जब इन्होंने देखा कि जब इनके स्टडी में सामने आया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वो इतना ज्यादा जो ह्यूमन है उनको नुकसान पहुंचा रही, तो इसका करे क्या, सोल्यूशन क्या है, हम सडनली क्या बंद कर दे, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसके पूरी तरीके से आदी हो गए, उसके बिना कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कम्पीट भी करना है, आगे भी बढ़ना है और सब कुछ करना है, तो उसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया काफी राय मशवरा करने के बाद कि हम आरओएचएस लाएंगे। आरओएचएस का फुल फॉर्म होता है रिस्ट्रिक्ट ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, मतलब आप जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट में अक्सर आप देखोगे तो कुछ ऐसे मटेरियल यूज होते हैं जो कि डंप करने में आसानी से डंप नहीं हो पाते, जो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन नेचर के लिए काफी खतरनाक है। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं, तो इस तरीके की जो मटेरियल है उसमें, अभी मैं आपको आगे मटेरियल भी बताऊंगा, इस तरीके के जो मटेरियल है वो जो यूज होंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, वो हम अपने कंट्री में रिटेल भी नहीं करने देंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ना तो एक्सपोर्ट करने देंगे, ना इंपोर्ट करने देंगे, ना रिटेल करने देंगे, स्पेशली एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट और रिटेल की बात है, क्योंकि लोग उसे यूज कर रहे हैं, वेस्ट बढ़ाएंगे और लोगों को अल्टीमेटली क्या है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, कुछ ऐसे थे उसको बैन कर दिया, बैन भी कर दिया, लेकिन आप कुछ परसेंट कुछ जगह पे आप उसे यूज कर सकते हो, कुछ जगह पे एग्जेम्पशन भी होता है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा, पर आप ये समझ के चलो कि कोई मोटा मोटा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसे इन्होंने बैन कर दिया कि हमारे कंट्री में यूज नहीं होगा। धीरे धीरे जब इन्होंने अप्लाई होने लगा, आरओएचएस 1 आरओएचएस 2 करके आज 6 पे चल रहा है, उसमें इन्होंने और भी चीजें ऐड की हुई है, और इसी तरह से देखते हुए जो और भी कंट्रियां हैं वो धीरे धीरे ये जो स्टैंडर्ड है वो अपनाने लगी, सब अपने अपने तरीके से अपना रहे हैं, पर अल्टीमेटली ये जो मेन जो खतरनाक केमिकल्स हैं, खतरनाक आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, उसको धीरे धीरे सब अपने तरफ तौर पर आरओएचएस से रिलेटेड बैन करने लगी, ठीक है। यहां से आ गया हमारा आरओएचएस, आरओएचएस अलग है और WEEE अलग है। आरओएचएस का मतलब कि प्रोडक्ट में आरओएचएस जो जो चीज का रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं यूज करना है, WEEE का मतलब जो वेस्ट हो चुका है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट है आरओएचएस में वो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स है जो यूज होते हैं जो कि बड़ी हानिकारक है। सबसे पहले तो आरओएचएस को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक नाम है डायरेक्टिव 20295EC, इंडिया में IS करके भी है, ISI करके भी है, उसी से रिलेटेड है, और जो इसे इंडिया में रेगुलेट करती है, ये तो यूरोपियन नाम हो गया, ठीक है, सब कंट्री में मैं कह रहा हूँ ना अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो ये तो क्या हो गया यूरोपियन यूनियन में यूज हो रहा है, जितने भी यूरोपियन कंट्री में आता है। उसके बाद इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी OMOEF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है वो इसको हैंडल करती है। अब वो जो स्पेशली 10 मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो लिया हुआ है, अब क्या होता है कंट्री के हिसाब से ये वेरी कर सकता है, तो मैंने जनरली जो लिया है जो आमतौर पर होता है वो 10ों का नाम ले लिया है। कुछ कंडीशन में कुछ कंट्री में वो हो सकता है अप्रूव है, अब बैन नहीं है, बट वो आप उसी के अकॉर्डिंग जब वहां पे एक्सपोर्ट करोगे जो बायर है वो वहां से सर्टिफाई करा लेता है, वो अलग चीज है, पर मैं जो जनरल है उसके लिए। अब आप देख सकते हो लीड है, मर्करी है, कैंडियम है, ये जो 10 आइटम है BIS, ये 10 आइटम पूरी तरीके से बैन है। अगर आप यूरोपियन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्टर जो होगा वो कहेगा आपके जो प्रोडक्ट है वो आरओएचएस सर्टिफाई होना चाहिए, वहां पे भी टेस्टिंग होगी, आपको भी टेस्टिंग कराना पड़ेगा, वो अलग चीज है, पर ये 10 चीज हम नहीं यूज करने देंगे, ठीक है, ये हो गया, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें हम फिनिश प्रोडक्ट को देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग मटेरियल से नहीं समझ पा रहे हैं, वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसे नहीं समझ पा रहे, तो मैंने यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट को भी लिया है जिससे आप इजिली समझ सको। तो आप देख सकते हो जितने भी हाउस होल्ड आइटम है, जो भी जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, उन सब में आप देखोगे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यूज होती है, तो उसमें भी एग्जेम्पशन है, ठीक है, यही नहीं ना कि आप बैन नहीं कर सकते, उसमें भी एग्जेम्पशन है कि इतना परसेंट यूज कर सकते हो, पर ये इस पे जो आपका आरओएचएस है वो एप्लीकेबल हो जाता है
होम अप्लायंसेस पर, ठीक है। स्मॉल ये तो बोल गए बड़े बड़े आइटम, अब छोटे छोटे जो भी आइटम होते हैं घर में यूज होते हैं, जैसे कि मिक्सर है और भी छोटे बड़े आयन है, उन सब में भी इस तरीके से यूज होने लगते हैं, तो उस पर भी आरओजीएस एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद आता है कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है आपका, उसके भी जो इक्विपमेंट है उसमें भी ये आरओएचएस जो क्या है एप्लीकेबल वहां पर हो जाएगा। अगर आप इसको सेल कर रहे हो यूरोप में, इंडिया से भी आप कर रहे हो सेल, तो आपको आरओएचएस सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो उस कंट्री में कंज्यूम कर रहा है उसमें आरओएचएस एप्लीकेबल। यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कंट्री पे, मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जो सबके लिए वैलिड है, पर डिपेंड करता है कंट्री पे, कहीं कहीं पे रूल जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आता है लाइटिंग इक्विपमेंट, तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन लाइट क्या है वो भी एक अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें भी आरओएचएस एप्लीकेबल होता है। पावर टूल्स जो आजकल देख रहे हो उसमें बहुत ही बड़े लेवल पे आप बड़ा बड़ा पावर टूल देखोगे, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो होगा, और अभी तो दोनों मिल के आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होगा, तो उसमें भी आप अगर आरओएचएस में जा रहे हो तो आपको उसमें सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है टॉयज एंड एक्सपोर्ट, अब तो आप सोचोगे टॉयज में कैसे, देखिए टॉयज चाहे प्लास्टिक का चाहे वोट का, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और उस सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यूज हो रहा है, और उसके अंदर ये जो आपके सामने मैंने केमिकल्स के नाम बताए, मटेरियल्स के नाम बताए, वो अगर है तो वो वहां पे आरओएचएस एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्टेंसिंग मशीन, जैसे एटीएम वगैरह है उसकी बात हो रही है, उस पर भी एप्लीकेबल है, और आईटी से रिलेटेड जितने भी है वो तो एप्लीकेबल है ही। तो ये और भी ज्यादा है, इसकी पूरी लिस्ट है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हर कंट्री में जैसे कि कंट्री के अकॉर्डिंग कुछ जगह पे कुछ प्रोडक्ट पे एग्जेम्पशन हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर शोल्डर यानी कि शोल्डिंग मशीन वगैरह आप देख रहे हो, शोल्डर पेस्ट मशीन होती है, तो उस पे एग्जेम्पशन आपको बहुत जगह पर बहुत से कंट्रियों में मिल जाता है। ऑटोमोटिव व्हीकल, अब व्हीकल काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो चुका है हर कंट्री में, तो वहां पे भी आरओएचएस में एग्जेम्पशन मिल जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकल डिवाइसेस, अगर आपके अंदर कोई ऐसी मेडिकल डिवाइस यूज हो रही है, मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड है जो कि आप वहां पे सेल कर रहे हो, तो उसमें भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, यानी कि आरएचएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होता है बट आपको आरएचएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कूपर एलॉय अभी आप देख सकते हो जिसमें लीड 4% तक का हो, उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है केडियम, जैसे मैंने आपको बताया ये बैन है, लेकिन सोलर पैनल में लगा है तो अप्रूव है उसके लिए आरओएचएस, क्योंकि आप देखोगे सोलर पैनल बहुत सी चीजों से वैसे भी बचा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक की कितनी ज्यादा जरूरत है, तो ग्रीन एनर्जी में आता है, तो इस कंडीशन में उसको अप्रूव कर दिया गया। कूपर को भी इसी तरीके से कर दिया गया। उसके बाद अगर स्पेयर पार्ट की बात करें, देखिए मशीन की बात अलग हो गई, अब मैं यहाँ पर स्पेयर पार्ट कर लूंगा। अब आप देखो कि पुरानी मशीन है उसको क्या रिपेयर के लिए जा रही है या उसमें रीयूज हो रहा है स्पेयर पार्ट, तो उस पर भी आरओएचएस नहीं है, क्योंकि पुरानी मशीन वो में क्या होता था, वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, उसको जिंदा रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, और स्पेयर पार्ट और रिपेयर के कंडीशन में आपको आरओएचएस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट आता है लेबल्स, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके, और मैं आपके लिए नई नई वीडियो इसी तरीके से लाता रहूँ। तो नेक्स्ट आता है लेबल, अब लेबल क्या होता है, देखिए लेबल अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कंट्री में होते हैं, और क्या है आपका जो प्रोडक्ट है जो आपका शिपमेंट है आप उसके ऊपर इस तरीके का लेबलिंग कर सकते हो, वो अलग अलग आप परचेज कर सकते हो, किसी भी आप ऑनलाइन इजिली मिल जाता है, इस तरीके से टेप होता है, इस तरीके से स्टिकर होता है, आप शिपमेंट पे लगा सकते हो। तो अब और भी होते हैं, आप वहां से जाके देख लेना, आपको जैसा भी हो आप परचेस कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन लेना है, आप सर्टिफाई हो गए उसके बाद ही आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस क्या है डिपेंड अपॉन द कंट्री, बट मैं जनरल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंडिया की अगर बात करें तो आपको थर्ड पार्टी से करा लेना है, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे वो आपको कुछ अमाउंट लेके 10 के अंदर ही हो जाएगा, तो आपको इजिली सर्टिफाई करा देगी। आपको सिर्फ क्या है डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन क्या डिटेल अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इजिली हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसकी ऑडिट होगी, ऑडिट करेगा कराया जाएगा जो कि वो डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड है जिस कंट्री में, वो उसकी ऑडिट करेगा। उसके बाद टेस्टिंग होगी, जो आपका प्रोडक्ट है तो उसमें टेस्ट होगा, जो
हमने बैन किया हुआ है, जो हमने बैन किया हुआ है प्रोडक्ट मटेरियल, वो तो इसमें नहीं यूज हुआ है, या जितना अलाउ है उससे ज्यादा तो यूज नहीं हुआ। अगर सब कुछ ओके है तो ठीक है, फेल हो गया तो बात ही खत्म, ओके है तो आपको वहां से सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आप रिन्यू कराते हो। लेकिन अगर आपके जो प्रोडक्ट है, कोई आप मैन्युफैक्चरर है, उसमें किसी तरीके से चेंजेस करते हो, डिजाइन में चेंजेस करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट भी कराना पड़ेगा आपको। बाकी सर्टिफिकेशन की बात करें तो 5 साल के लिए वो वैलिड होता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।